हे hey, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि पेटीएम बैंक में केवाईसी कैसे करते हैं अपने मोबाइल के द्वारा, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि पेटीएम बैंक में अपनी केवाईसी कैसे पूरी करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी रूप से बताऊँगा कि आप किस तरह अपने पेटीएम बैंक में अपने मोबाइल के थ्रू ही केवाईसी अपनी पूरी कर सकते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी फ्रेंड पेटीएम बैंक के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि आपको पेटीएम बैंक में डेबिट कार्ड किस तरह शो कर सकते हैं। तो यदि वो वीडियो देखनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है और साथ में ये उसका थंबनेल आ रहा है। आप मेरे चैनल में जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो रेड कलर का सब्सक्राइबर्स का बटन आ रहा है, आप इसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम की जानकारी की वीडियो लाता रहता हूं। और ये जो बेल का आइकन आ रहा है, इसे दबा के आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फैमिली मेंबर या अपने सोशल मीडिया पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी बात हो आपके दिल में इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल में जितने भी वीडियो उनसे रिलेटेड, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड बिना देरी करें चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड आप पेटीएम का बीटा वर्जन डाउनलोड कर ले, जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया था। उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, या फर्स्ट नेम में अपना नाम, सेकंड नेम में अपना लास्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ। देन आप मेल या फीमेल जो भी हैं वो चॉइस करके आप यहाँ पर करेंट अकाउंट पर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद एक पासपोर्ट सेट करने को कहेगा फ्रेंड, आप एक पासपोर्ट चेंज कर लीजिए। फिर उसके बाद कंफर्म पासपोर्ट का पासपोर्ट कहेगा, वो भी आप कंफर्म करके आगे बढ़े। देन उसके बाद जो भी है आपको परमिशन मांगेगा उसे दे लें। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएँ फ्रेंड, यहाँ जो प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके पास थोड़े टाइम बाद मैं आपको शो कराऊँ ये रिक्वेस्ट नाउ गेट योर केवीसी डन, यहाँ पे रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करें। आप ये सारा काम अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये रिक्वेस्ट नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन जो है, ठीक उसके ऊपर आपने एंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर, यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर लिखें। देन उसके बाद योर नेम जो आपका नाम आधार कार्ड पर वो लिखें, और आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके आगे बढ़ें, ठीक फ्रेंड। जैसे मैं अपने में डाल रहा हूं, यदि आप जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह करेंगे तो बहुत ही आराम से आपकी केवाईसी पूरी हो जाएगी। बस आगे बढ़े, जो भी है आपसे लोकेशन मांग रहे हैं आपकी, इस लोकेशन को जरूर ऑन करें फ्रेंड, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अब ये लोकेशन ऑन करने के बाद क्या होगा फ्रेंड कि विजिट केवाईसी सेंटर, ये यूँ बोल रहा है। तो आपके पास जितने भी केवाईसी सेंटर होंगे पेटीएम के, उन सबकी लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि मेरे सामने आ रखी है। ये जो भी जितने किलोमीटर होगा, जैसे सब आप देख रहे होंगे, ये जितने भी किलोमीटर होगा आसपास वो आपको बता देगा। आप इन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है फ्रेंड कि आप इनके पास खुद जा सकते हैं, ठीक है, और ये कितने कितने किलोमीटर पर ये बताए। दूसरा है रिक्वेस्ट एंड विजिट, ये यहाँ पे आप अपना पूरी जानकारी बोल ले, नेम बोल ले, अपना हाउस नंबर बोल ले, अपना एरिया या विलेज या सेक्टर जो भी है, फिर पिन कोड बोल ले, टाउन सिटी बोल ले, स्टेट बोल ले, एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर कोई अनादर हो तो वो करके ऐड एड्रेस पे क्लिक कर दे। तो इसके थ्रू क्या होगा फ्रेंड कि जो पेटीएम के मेम्बर हैं वो आपके घर आके विजिट करके भी आपके कागज़ पूरे लेके केवाईसी डन कर लेंगे, आपकी पूरी की पूरी कागज़ लेके, आप आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड साथ में रखें तो वो घर आएंगे आपके और आपका केवाईसी डन करके चले जाएंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड। एक तरह से और कर सकते हैं, मान लो कि वो पेज ओपन नहीं हो रहा था, यहाँ टॉप पे जाए, टॉप पे जाके यहाँ पे लास्ट में नियर बडी होगी, नियर बडी में क्लिक करोगे तो यहाँ भी सारी की सारी लोकेशन है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सारी की सारी आपके नियरेस्ट जितने भी पेटीएम केवाईसी पूरी करने वाले ऑनर होंगे, जो शॉपकीपर होंगे, उन सबकी भी लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ये मेरे सामने खुल गई है, और सामने किलोमीटर होता है, इधर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं आपकी दुकान का। अगर वहाँ आप, एक तो ऑप्शन है कि इसके थ्रू आप वहाँ जाके कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है वहाँ रजिस्ट्रेशन करके आप उन्हें घर बुला सकते हैं। अगर वो घर आने का
उनका होगा नहीं रेस्ट, तो वो आपके घर आके भी आपकी केवाईसी पूरी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आज की वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगी। अगर ये आपको लगता है कि मेरी वीडियो काम आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आपके एंड्रॉयड मोबाइल या ब्लॉग या आपके यूट्यूब से रिलेटेड जानकारियाँ लाता रहता हूँ, जो कि आप लोगों की बहुत काम की होती है। और प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कम से कम कुछ नहीं फ्रेंड तो 100 लाइक तो कम से कम आप जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।